गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। हिंदू धर्म को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। ये दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है आज, और देश को एकत्रित किया है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज देश एकत्र हुआ है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को, और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठटरी भर गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामना। ये सनातन की सत्ता और राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। किसी राजनीतिक दल से लड़ें, राम से ना लड़ें, क्योंकि राजनीतिक दल को लड़ के हराया जा सकता है, राम को नहीं हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता है, भारत को नहीं हराया जा सकता है, और राम भारत की आत्मा है। हमें कह सकते हैं कि आज के दिन का बहुत सदियों से इंतजार रहा, आज वो दिन सब सनातनियों, हिंदुओं, जिनके लिए आप कह रहे हैं, सब आया है हमारे सामने। ये गौरव का दिन है। एक दिवाली तब मनी थी जब भगवान राम लंका फतह करके आए थे, और एक दिवाली आज मनेगी जो उससे भी बड़ी दीपावली है। सबको बधाई। हिंदू धर्म को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। ये दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है आज, और देश को एकत्रित किया है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज देश एकत्र हुआ है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को, और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जब टेंट में रामलला थे तब हम आए थे, आज जो दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, ये एक सनातन का एक नया इतिहास बन रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है, और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं।